स्पॉन्सर्ड बाय गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, फैशन मॉल, सिंह मार्बल एंड सैनिटेशन। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पलामू जिले में जिला प्रशासन सक्रिय होकर कार्य प्रारंभ कर चुकी है। पहले ही दिन राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर को हटा दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त पलामू डॉक्टर शांतनु अग्रहरि ने प्रेस वार्ता कर चुनाव संबंधी जानकारी दी। 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। 13 नवंबर तक नामांकन की तिथि और 14 नवंबर को स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं 16 नवंबर तक नाम वापसी की तिथि निर्धारित की गई है। पलामू जिले में 5 विधानसभाएं आती हैं, डाल्टनगंज, पाकी, हुसैनाबाद, छतरपुर एवं विश्रामपुर। इस संबंध में 6 नवंबर से एक दिन से नामांकन लिया जाएगा संबंधित अभ्यर्थियों के द्वारा संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों कार्यालय में, और इन सभी विधानसभाओं के संबंधित निर्वाची पदाधिकारी क्रमशः विश्रामपुर के लिए अपर समाहर्ता पलामू रहेंगे, पाकी के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी पलामू रहेंगे, डाल्टनगंज के लिए विधानसभा के लिए सदर SDO मेदिनीनगर रहेंगे, छतरपुर विधानसभा के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी छतरपुर रहेंगे, हुसैनाबाद विधानसभा के लिए अनुमंडल पदाधिकारी हुसैनाबाद निर्वाची पदाधिकारी के तौर पर अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन के प्रस्ताव प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात 13 नवंबर तक नाम निर्देशन की आखिरी तिथि डिक्लेयर की गई है और 14 नवंबर को उन सभी प्राप्त नाम निर्देशन की स्क्रूटनी की जाएगी एवं 16 नवंबर को नाम वापस लेने की आखिरी तिथि रहेगी एवं 30 नवंबर के दिन पोल का तिथि डिक्लेयर किया गया और 23 दिसंबर के दिन काउंटिंग सुनिश्चित की जाएगी। शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए जहाँ पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी, वहीं चुनाव कार्य सम्पन्न कराने वाले कर्मियों की ट्रेनिंग भी पूरी करवाई जा चुकी है। चुनाव कार्यों में किसी तरह की चूक न हो, इसके लिए जिला प्रशासन कमर कस चुकी है। इस क्रम में चुनाव संबंधित सकुशल एवं निष्पक्ष चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कंप्लीट कराने के लिए सभी तैयारी की जा चुकी है। पोलिंग पार्टीज के संबंधित जो भी कर्मी हैं उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है और की भी जा रही है। EVM VPAT ट्रेनिंग अवेयरनेस वाले भी काम में हम लोगों ने तकरीबन 85,000 लोगों के द्वारा मॉक पोल भी कास्ट कराया जा चुका है और स्वीप से संबंधित गतिविधियाँ भी आगे बढ़ाई जा रही। हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि लोकसभा निर्वाचन में जो हम लोग मतदान प्रतिशत था वो पिछले विधानसभा निर्वाचन के मुकाबले ज़्यादा था और इस बार भी हम लोग उसे और ज़्यादा बढ़ाने की पूरी प्रक्रिया शुरू करेंगे।